अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान और आज हम बनाने जा रहे हैं जी मैक्रोनी पास्ता, एल्बो मैक्रोनी का हम पास्ता बनाने जा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं, देखते हैं कैसे बनती है। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, पास्ते के लिए पहले हम ये लहसुन चॉप कर रहे हैं, आधा प्याज चॉप करेंगे, शिमला मिर्च ये कम चॉप करेंगे पास्ता के लिए, जी। तो पानी हमारा बॉईल हो गया तो इसमें हम ये डालेंगे जी मैक्रोनी, एल्बो मैक्रोनी, और इसमें हम डालेंगे जी हसबे जायका नमक, और थोड़ा सा हम इसमें ऑयल डालेंगे ताकि ये आपस में चिपके रहें। कुकिंग ऑयल थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें। इसको मिक्स करेंगे और इसको बॉयल होने तक छोड़ देंगे। चाहिए एक टमाटर हम लेंगे, इसको हम सीडलेस करके तो इसको भी हम ये प्याज और शिमला मिर्च की तरह चॉप करेंगे पास्ता के लिए। अच्छा, ये मैक्रोनी हमारी बॉयल हो गई है, अभी हम इसका पानी स्ट्रेन कर लेंगे। अच्छा, ये मैक्रोनी हम स्ट्रेन कर लेंगे। अच्छा जी, ये हम अभी पास्ता बनाने जा रहे थे उसके लिए हमने ये फ्राई पैन रखा है, इसमें हम हल्का सा ऑयल डालेंगे। अच्छा, ये चॉप गार्लिक हम डालेंगे इसमें। अच्छा, ये हम इसमें डालेंगे जी प्याज, ये प्याज और ये कैप्सिकम, शिमला मिर्च, तो हम सौते कर लेंगे। और साथ हम इसमें ये टमाटर डालेंगे। तो ये सब्जी जो वेजिटेबल हमारी सौते हो गई है, इसमें हम टोमेटो सॉस डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे। इसमें हम हल्का सा सॉल्ट डालेंगे हसबे जायका, क्योंकि सॉस हमारी टोमेटो सॉस है उसमें ऑलरेडी नमक हमने डाला हुआ है। थोड़ी सी हम क्रश चिली डालेंगे और ब्लैक पेपर थोड़ी सी और ओरिगानो थोड़ा सा, इसको मिक्स करेंगे। अब आधा कप इसमें हम डालेंगे दूध का, इसको मिक्स करेंगे। अच्छा जी, ये इसमें हम डालेंगे अभी मैक्रोनी, इसको मिक्स करेंगे। अच्छा जी, ये मैक्रोनी हमारी तकरीबन तैयार हो गई है, इसमें हम डालेंगे जी चीज़, परमिजान चीज़, इसको मिक्स करेंगे। और ये मैक्रोनी पास्ता हमारा हो गया तैयार, इसकी आग अब बंद कर लेंगे। अच्छा जी, एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। अच्छा, ये हम गार्निश के लिए इसके ऊपर डालेंगे जी परमेसान चीज़, और ये हमारा मैक्रोनी पास्ता हो गया तैयार।